और बी आपके पास हो एक्स टू वाई टू, तो बच्चों होगा क्या, आप जो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे वो आपके पास हो जाएगा रूट के अंदर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। और ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप इसमें उल्टा भी कर देते हो, मतलब एक्स वन को पहले लिख देते हो और एक्स टू को बाद में लिख देते हो, तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, इससे भी कोई खराबी नहीं है। मतलब अगर आपका आंसर, अगर आप सोचते हो कि मैं पहले एक्स वन को लिखूंगा उसमें से मैं एक्स टू को घटाऊंगा और वाई वन में से मैं वाई टू को घटाऊंगा, तो आप बिल्कुल सही है, सही सोच रहे हो, ऐसे भी कर सकते हो, तब भी आपका आंसर क्या नहीं आएगा, गलत नहीं आएगा। मेरी बात समझ आ रही है आपके? तो चलिए एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू स्टार्ट करते हैं। सपोज करें आपके पास ए बराबर हो जाए 2.3 और बी बराबर हो जाए 4.6, और मैं आपको कह दूं यहां से ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या बोल दूं मैं आपको? ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे ज्ञात करोगे उसे? ज्ञात करने का बच्चों क्या तरीका है, आपको एक फॉर्मूला मिलेगा ए बी बराबर रूट के अंदर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही मिलेगा ना बच्चों। अब इस फॉर्मूले के अंदर आपको देखना है कि कौन हमारा x1 है, कौन हमारा x2 है, कौन y1 है और कौन y2 है। तो बच्चों मैंने आपको बताया जो पहले लिखा रहता है ये x1 ये y1 ये x2 ये y1, यही बताया था ना अभी। बस ए बी रखिए, अंडर रूट बनाइए, x2 कितना है 4, चार में से x1, x1 कितना है 2, घटा दीजिए, प्लस y कितना है, y2 कितना है 6 और y1 कितना है बच्चों, इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए। ए भी ऐसे ही रखिए, अंडर रूट ऐसे ही बनाइए, चार में से दो गए सबको पता होता है 2 बचते हैं, प्लस 6 में से 3 3 बचते हैं। ए भी ऐसे ही रखिए, अंडर रूट ऐसे ही बनाइए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। यहां से बच्चों ए बी की जब आप वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 13। लास्ट में लगा देना है, लिख देना है मात्रक, क्या लिख देना है, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, ये आपका। आंसर हो जाना है, बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, समझ में आया? एक एग्जांपल और देता हूं आपको, इसे तो आप उधारी लेंगे, है ना? ये वाला हमारी वीडियो में आ रहा है, ये वाला सीन, इधर वाला मेरा हाथ आ रहा है पूरा। तो हमारे पास इस बार a बराबर हो जाए -1, -3 और b बराबर हो जाए -4, -7, दोनों ही माइनस में ले लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों कौन सा माइनस में है कौन सा प्लस में है, ठीक है? इसलिए मैंने प्लस वाला भी करा दिया आपको और माइनस वाला भी करा रहा हूं। क्या करना है बस आपको, क्या पूछा जाएगा पेपर में, वो पूछता है ए और बी के बीच की दूरी बताइए, ए और बी के बीच की दूरी बताइए। आप फॉर्मूला जानते हो डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, दूरी सूत्र क्या कहता है, यह कहता है कि ए बी बराबर अंडर रूट के अंदर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात, समझ तो रही हो, अगर नहीं भी दिख रहा है इधर तब भी आप जानते हो कि उधर क्या लिखा हुआ है y2 माइनस y1, क्लियर है? अब यहां से वैल्यू निकाल के दिखाता हूं मैं आपको, देखो a भी ऐसे रखा रहने दिया, अंडर रूट ऐसे बना दिया ये वाला मैंने, x2 देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि यहां लिख लिया, तो x1 y1 x2 y1, क्लियर है? बस इतना ही तो काम करना है सिर्फ, अब तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है बच्चों, देखो कितनी आसानी से पुट करेंगे, कैसे, x2 कितना है -4 रख दीजिए यहाँ पर, फिर बीच में माइनस लगाया, ये वाला लगा दिया, समझ आ रहा है रितिक भाई, समझ आ रहा पक्का, x2 की जगह पे तो -4 रखा, माइनस बीच का ऐसे ही लगाया, x1 देखिए कितना है -1, एक माइनस पहले से यहाँ था, वो माइनस और ये माइनस आपस में करेंगे युद्ध, और दोनों माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, हो गया, जुड़ गए दोनों के दोनों आपस में, देखा तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, और दोनों के दोनों क्या बन गए, प्लस, जुड़ के एक हो गए, मतलब प्लस हो गए, तो एक हमारा रह जाएगा प्लस में, बात समझ में आई कि नहीं आई,
कि भाई कैसे लिख दिया ये तुम्हारे समझाओ। देखो मैंने क्या करा, मैंने एक्स टू की जगह पे लिखा माइनस चार, फिर माइनस लगाया था, फिर ये माइनस एक लिखना था मुझे एक्स वन, है ना। लेकिन ये माइनस का पहले से था, माइनस माइनस प्लस के एक हो गया, फिर बीच में ये वाला प्लस लगाया, फिर ब्रैकेट बनाया। अब वाई टू, वाई टू कितना है, फिर ये माइनस लगाया, और वाई वन कितना है, माइनस तीन, तो फिर से माइनस माइनस प्लस के हो गए और तीन का स्क्वायर। बात समझ में आई है, किसके समझ में नहीं आई याद खड़ा करें, सबके समझ में आ रही ना। बस ये भी ऐसे ही रखना है, अंडर रूट ऐसे ही बनाना है। अगर आप देखते हैं ये माइनस चार है और ये प्लस के एक है, तो जो घटा के कितना बचेगा, माइनस के तीन का स्क्वायर, यहाँ देखेंगे तो माइनस के चार का स्क्वायर। ये बात समझ में आती है बच्चों, कैसे करा, बहुत आसान सा काम है। जब आप माइनस चार में से प्लस वन घटाओगे तो देखोगे कौन बड़ा है दोनों में से, इन दोनों में बड़ा चिन्ह किसका होता है, माइनस वाले का, और माइनस वाले के कारण ये घट जाएंगे, लेकिन चिन्ह उसका आएगा जो संख्या बड़ी होती है, संख्या भी चार ही बड़ी है, तो चार क्या के जैसा चिन्ह था वही आ जाएगा इन माइनस तीन। इधर देखेंगे तो यहाँ भी घटेंगे क्योंकि सात माइनस बड़ा था इनमें भी, तो माइनस के कारण घटेंगे चार बचेगा, लेकिन माइनस क्यों आया आगे, क्योंकि संख्या कौन सी बड़ी थी, माइनस वाली संख्या बड़ी थी, यानी सात बड़ा था, तो सात के साथ जो आगे साइन लगा हुआ था वही साइन यहाँ पे हमारा आ जाता है। कितनी बात समझ में आई, बस उसके बाद क्या करेंगे, ए बी ऐसे रखेंगे, अंडर रूट बनाएंगे, तीन का माइनस तीन का स्क्वायर करने पर हो जाता है नौ। किसी भी संख्या का अगर वर्क किया जाए, माइनस वाली संख्या का वर्क किया जाए तो क्या हो जाता है, वर्क करने पर माइनस हट जाता है, गायब हो जाता है माइनस, तो इसका भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, और ऐसी चार जाएगा करने पर माइनस हट जाएगा, सोलह आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए बी बराबर अंडर रूट के अंदर 25। बाहर अगर इसे निकाल दिया जाए बच्चों, आप जानते हो 25 किसका वर्गमूल होता है, बस ये आंसर आ गया 5। ये लीजिए बता दी दूरी, बाद में लिखो मात्रा। अब मुझे बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन है, दूरी फॉर्मूला याद हो गया, क्या फॉर्मूला है। अच्छा आप कह रहे होंगे कि भाई आप तो कह रहे थे कि x2 रख दो पहले चाहे x1 रख दो, आपने तो दोनों सूत्रों में पहले x2 ही रखा, हम कैसे विश्वास करें कि x1 रखने से भी वही आंसर आएगा, तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ इसका आंसर भी, यहाँ पे कर देता हूँ ठीक है। ये तो मैंने मिटा दिया, अंडर रूट वगैरह यही लिख देना आप लोग, जो इसका आंसर था उसी वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ करता हूँ, लेकिन इस बार मैं क्या करूंगा x1 को पहले लिखूंगा। फॉर्मूला तो वैसे ये होता है, ये भी रख सकते हो आप लोग, ये याद रखोगे तो अच्छी बात। ए बी बराबर मैंने बोला कि आप क्या कर सकते हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, मतलब चाहे आप पहले x1 रखें चाहे आप पहले x2 रखें। देखिए इस आंसर क्या आता है कि भाई अगर आंसर कुछ अलग आ गया ना तो आपकी बात झूठी निकल जाएगी, आपने बोला था यही आएगा, देखते कैसे आएगा। x1 कितना है, माइनस एक, फिर माइनस लगाया, x2 कितना है तो प्लस के चार हो जाएगा, y1 कितना है माइनस तीन, और y2 है प्लस के साथ हो जाएगा, ये बचेगा तीन का स्क्वायर और ये बचेगा हमारे पास चार का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर सोलह, अंडर रूट के अंदर 25, बाहर निकाले तो पांच आ गया ना भाई, तो मैंने यही तो बताया था आप लोगों को। तो आपको ये क्वेश्चन अब करना है, ऐसे उतार लो आप।